की कानून व्यवस्था ये अब सुर्खियों में है। जो शांतिपूर्ण राजस्थान कभी अपनी शांति के लिए सद्भाव के लिए जाना जाता था उसको शायद ग्रहण लग गया, लेकिन ग्रहण से बड़ी चुनौती है लापरवाही की, अनदेखी की और कमजोर पुलिसिंग की। उसका नतीजा है कि राजस्थान अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में 17 बलात्कार और 7 हत्याओं के आंकड़े से अलंकृत है। पचपदरा थाना के क्षेत्र में एक महिला के साथ में जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना हुई, एसिड जलाकर उसको मारा गया, ये पराकाष्ठा है। किस तरीके से राजस्थान की मातृशक्ति पर एक चुनौती खड़ी हुई है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो खुद गृह मंत्री हैं, उन्हीं के संभाग में जब ये घटना होती है तो सवाल खड़ा होता है कि सरकार किस काम की, सरकार किस नाम की। शायद सरकार का तो इकबाल खत्म हुआ ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को लांघ चुके हैं। यदि गैरत और ईमान होता तो शायद राजस्थान की कानून व्यवस्था नियंत्रित हो चुकी। राजस्थान की अनेक चुनौतियों में कोई चुनौती है तो आज की तारीख में कानून व्यवस्था है। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार को चाहिए कि तत्काल दोषियों को जिस तरीके से सख्त से सजा फास्ट ट्रैक के जरिए मिले और जो पीड़िता है उसके परिवार को एक अच्छा संबल मिले। मुझे लगता है कि भले इससे कुछ पूर्ति बेशक होगी, लेकिन सरकार के पाप तो धुलेंगे नहीं।